पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है? ये जो चार हेलमेट यहाँ रखे हुए, पाकिस्तान कराची की तरफ जा रहा है। पूरा साउथ अफ्रीका को हरा दिया, मतलब बिग अपसेट, और मतलब मैच जबरदस्त हो जाएगा वो के लिए। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, पहले अब्दुल्ला शफीक फिर इमामुल हक। लानत है वैसे यार, अभी भी इमामुल हक इमामुल कसम से यार। हेलो अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान के मैच है। पाकिस्तान को बड़ा चांस है, अगर साउथ अफ्रीका से ये मैच जीत गया और बड़े मार्जिन पर जीत गया तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में जा सकते हैं। आप लोगों को बता दें कि पाकिस्तान अगर साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश इन तीन टीमों से अगर मैच जीते तो पाकिस्तान का सेमीफाइनल में जाना मुश्किल नहीं है। इसके हवाले से वैकरण गप्टा और उसके स्टिक क्या कहते हैं, आइए आप लोगों को दिखाते हैं। तो वीडियो में हमारे साथ आखिर तक रहिए, तो चले आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड कप में टॉप फोर क्या आपको इक्वेशन नजर आ रहे हैं? और जैसे एक बार बार चर्चा ये भी हो रही है कि भाई वनडे फॉर्मेट को लेकर या फिर इस वर्ल्ड कप को लेकर भी कि भाई एक्साइटमेंट नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है, तो अब जिम्मेदारी एक ऐसी टीम पर भी है एक्साइटमेंट लाने की सर, जो जानी जाती थी एक्साइटिंग क्रिकेट या फिर एक्साइटमेंट या अनप्रिडिक्टेबल नेचर उनका, ये सब बातें होती थी। क्या कहते हैं आप, मर्क्यूरियल कहते हैं ना आप, कहते हैं मुझे याद आता है वक्त जब पाकिस्तान एक मर्क्यूरियल टीम हुआ करती थी। तो कल जो है उनको थोड़ा सा मर्करी वाला कुछ दिखाना पड़ेगा। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, पहले अब्दुल्ला शफीक फिर इमामुल हक। लानत है वैसे यार, अभी भी इमामुल हक कसम से यार, शकर जमान को ले आओ यार। अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, साउथ शकील, इफ्तिकार अहमद, सलमान या नवाज, मेरे ख्याल से नवाज को खिलाओ, शादाब को करो ड्रॉप, शाहीन, वसीम जूनियर और हारिस ड्रॉप, क्योंकि हसन अली को हो गया बुखार। तो काफी सारे राइटी प्लेयर्स हैं। हाँ, नवाज इसीलिए तो बोल रहा हूं, टॉप ऑर्डर में आप देख लो, डीकॉक है, डीकॉक को अगर ऊपर से शुरू में, अब आप दिखा दो भाई, शादाब ने आज माना है, उन्होंने बोला ये माना कि मुझसे क्रिकेट नहीं खेला जा रहा, लेकिन थोड़ा सा धीरज धरिए, तू चल, मैं आई वाला हिसाब किताब हो रहा है मेरे साथ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है? ये जो चार हेलमेट यहाँ रखे हुए, पाकिस्तान कराची की तरफ जा रहा है। साउथ अफ्रीका को हरा दिया, मतलब बिग अपसेट, और मतलब मैच जबरदस्त हो जाएगा वो, क्योंकि वो टीम रुकी नहीं रही है, तो पाकिस्तान रोकता है तो पाकिस्तान की हालत आपको ये पता थी हो सकती है। इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड को तो आप सोच रहे थे ना टॉप फोर में तो जाएगा ही जाएगा, वर्ल्ड कप भी जीत सकता है। आज इंग्लैंड के हालात उनसे खराब हैं। क्या इंग्लैंड क्रिकेट की ओबिचुरी छप चुकी है? जो सवाल है पाकिस्तान का, ठीक है, देखो सबका अपना अपना मौकफ होता है, हम लोग यहाँ पे बैठ के कुछ और बात करेंगे, पाकिस्तान में जो बात कर रहे हैं वो कुछ और होंगी। बात ये होती है, देखो सिंपल सी बात है, एडमिनिस्ट्रेटर को भी बहुत कुछ सुनना पड़ता है यार। एक तो मुझे इमाम का नाम देख के मेरा मन ही खराब हो जाता है कसम से। क्या बंदा है भाई ये, टेस्ट मैच खेलता है यार ये, वनडे में भी कोई इसको वो नहीं है तमीज के अपनी टीम को। अब यार आप बार बार पाकिस्तानी ही बोल रहे हैं ना आज की डेट में, मॉडर्न डे क्रिकेट कैसे खेली जाती है, थोड़ा तो तेज खेल ले भाई। पर पाकिस्तान भी जो अनप्रेडिक्टेबल अनप्रेडिक्टेबल है भाई, अब करो अनप्रेडिक्टेबल, अब हराओ साउथ अफ्रीका को, अब टॉप टीम को हराओ तगड़े तरीके से, वापसी करो, नहीं तो छित्रोल गवर्नमेंट हर्ष ड्रामेबाजी करने वालों। गवर्नमेंट हर्ष बोल रहे कल एक बार और जेकेएल है।